जहांगीर, यहाँ पर जहांगीर उठो, आई उठो तो। आए, क्या हुआ? अल्लाह खैर, आए कहीं चोर तो नहीं आ गए? आपा, मैंने ना बहुत ही डरावना ख्वाब देखा है। आए है तौबा, आए क्या ख्वाब देख लिया? कोई मेरे लिए तो बुरा ख्वाब नहीं देखा? नहीं, अरे मेरे मुंह में खाक, मेरी जुगनू। आए बोल तो सही, नींद से जगा दिया, अब बता भी नहीं रही, क्या हो गया जुगनू को? अरे आपा, मैंने ख्वाब देखा, मेरी जुगनू फिसल के एक पहाड़ पे से बहुत दूर खाई में जा गिरी, फिर एक बहुत बड़ा सा हाथ आया और उसे उठा के कहीं ले गया। हेलो, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? उस कमबख्त ने अपने आप को खाई में ही तो गिराया है, उस मनहूस फोटोग्राफर से शादी करके। अरे वो तो नसीब वाली थी जो बच गई। जुगनू, जुगनू तुम्हारी खुला झूठी है, है? मुझे सबूत मिल गया है। मैं अभी जाती हूँ। अरे 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 अरे, कहाँ जा रही हो? पूरी बात तो सुनो। अभी तो सिर्फ एक सबूत मिला है, हमें और भी सबूत इकट्ठे करने हैं। मैं कोर्ट में साबित कर दूंगी उन लोगों ने झूठ बोला है। बस आप एक आप ही एक काम की, बाकी सब बेकार है एकदम। दे ताली। नापा, मेरे दिल को तो पंखे लग गए। अल्लाह, मैं कह रही हूँ ना, सुबह पता कर लीजो, जा जा के सो जा। एक तो इस उम्र में वैसे ही मुश्किल से नींद आती है, ऊपर से तेरे ये डरावने ख्वाब। जा सो जा, जा के सुबह देख लीजो। आए सुबह उसको फोन करके पूछूंगी। अल्लाह मेरी बच्ची को हर आफत से महफूज रखे, आमीन। तनवीर भाई सो गए? हाँ सो गए, कोई बात है? नहीं, वो जुल्फी ने मैसेज किया था मुझे, मैं गई तो कह रही थी कि जुगनू पैसे लेके खुला लेगी। हाँ, तनवीर ने मुझसे भी कुछ ऐसी बात की थी। तो क्यों ना हम उसे किसी तरीके से कांटेक्ट करें और उसे बता दें कि ये सब बोगस है। तुम्हारे ख्याल में उसको ये मालूम नहीं है कि ये बोगस है? मेरी जान, उसने पेपर्स पे साइन ही नहीं किया, वो जानती है। तो कम से कम वो जुल्फी को ये तो बता देगी ना कि उसने पैसे नहीं लिए। अरे तुम इन चीजों के बारे में किस लिए सोच रही हो? क्यों अपने दिमाग पे बर्डन डाल रही हो? तुम्हारा प्लान एकदम चौपट है, जो मैं सोच रही हूँ उसको फॉलो करो। आपा, क्या वाकई मेरे साथ सिंसियर है? तुम मुझ पे शक कर रही हो? जब सब लोग ये समझते थे कि जुल्फी से शादी करना तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है, तो मैंने ओपनली एक्सेप्ट किया, लेकिन अब नहीं। ओके ओके फाइन, ने मामा को देखा है कैसे एकदम से चुप हो गई है? सब कुछ पहले की तरह हो गया है अब। मामा को ये लगता है कि जुल्फी को भगा देने वाला इंसिडेंट इतना शर्मनाक था कि अगर उसको डिस्कस भी किया जाएगा तो उतनी शर्मिंदगी होगी। और जुगनू वैसे भी हमारे पास आई थी, उनके पास नहीं। ज़ाला, तुम कभी कार्ट पे बैठी हो? नहीं। बैठना चाहोगी? इस वक्त जुगनू भी तो इसी वक्त आती थी। अच्छा, किधर जा रहे हैं? Do you like Dr. Sadi? I do. मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। अज़ाला, he's a wonderful person. उन्होंने एक औरत के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड के अगेंस्ट स्टैंड लिया है। तो उन्होंने वो स्टैंड जुगनू के लिए लिया है? हाँ, उसके लिए लिया है, लेकिन तुम्हारे लिए भी। तो अब क्या? तो अब ये कि तुम डॉक्टर सादी से निकाह कर लो। यू मीन मैं इस वक्त कार्ट में बैठ के डॉक्टर सादी के पास जाओ और उनसे कहो कि मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ? ये लो, मैंने इस फाइल में सारे जरूरी कागजात लगा दिए। मुझे यकीन है कानून तुम्हें तुम्हारा शौहर जरूर दिलवाएगा। धौस, धमकी, ताकत, हर हर बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ मैं। तुम्हारी मोहब्बत में जो ताकत है ना, वो तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं होने देगी। ये वकील आंटी, मोहब्बत तो कहीं पीछे ही रह गई है, अब तो सिर्फ सर्वाइविंग की जंग है। आपको पता है मैं जुल्फी के बगैर रह सकती हूँ?
लेकिन दो तलाकों के लेबल के साथ नहीं जिंदा रह सकती। मेरी अम्मी को पता चले उन्हें तो हार्ट अटैक ही हो जाए। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह तुम जरूर कामयाब होगी, तुम जाओ तो सही। मुझे सिर्फ जुल्फी ही नहीं चाहिए, मैं उसकी बीवी हूँ, उसका मुकाम चाहिए मुझे। तुम वो मुकाम जरूर हासिल करोगी, मुझे पूरा यकीन है। या तो मैं तनवीर भाई से गोली खा लूंगी या फिर कामयाब हो जाऊंगी, दरमियानी हल मुझे नहीं पता। अरे अच्छा बोलो भाई, जाओ जाओ, तुम्हारी बस निकल जाएगी। गॉड ब्लेस यू, ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा मेरे लिए नहीं सही तो अपने पैसों के लिए सही। गजाला अपने कमरे में नहीं है। What? तुम रात को देर से सोने आई थी, गजाला के साथ थी? हाँ मैं उसके साथ थी, लेकिन वो रात को ही चली गई थी। कहाँ चली गई वो? वो जुल्फी से शादी नहीं करना चाहती है। ओए रुको छोटी बीवी, रुक 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 रुक, बाजी 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 बाजी। हाँ हमने आपको ऊपर से ही देख लिया, आपने उधर ही जाना है ना? तुम्हें कैसे पता? वो बस रात को मैंने दो सवारियां वहां से उठाई थी। कौन सी सवारी? बस बाजी मैं आपको बता नहीं सकता, पिंक लिफ्ट का सवाल है। कारोबार बिजनेस तुम्हारा? आहो वही ना, बड़े कारोबारी हो गए हो तुम। बस बाजी क्या करें, सुबह सुबह आपकी दुआएं लग गई। अच्छा चलो पहुंचा दो मुझे वहां तक, ध्यान से चलाना, कभी तो बार तुम्हारा भी भरोसा नहीं लगता मुझे। टेंशन ही कोई नहीं, हम आपको उधर ही ड्रॉप कर देंगे। बिस्मिल्लाह जी। ओए वैसे आप यहां अकेले क्या कर रही हैं? अकेले कहां, थक गई हूं। क्या मतलब है, हमारे घर की औरत कहां गई? जवाब दो आयशा, कहां गई वो? क्या जवाब दूं, आप लोगों ने उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। She had no other option. आयशा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम हमारे साथ ये करोगी। मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया है, वो खुद गई है अपनी मर्जी से डॉक्टर सादी के साथ। क्या? छोड़ूंगा नहीं उसे। कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम दोनों ने शादी कर ली है। बख्शी जी। जी साहब। सलाम अलैकुम बख्शी जी। अरे आप तो अपने पड़ोसियों को भूल ही गए। तंजसुरम साहब को क्या बोलते हो, भूल जाना ही बेहतर है। हेलो वो क्यों भला? अरे हमसाया तो माँ जाया होता है। हाँ हाँ होता होगा होता होगा, कान खोल के सुन लो, कोई अमरूद अमरूद नहीं मिलेगा समझी। अल्लाह का शुक्र है पूरा बाग ठेके पे दे दिया बख्शी जी ने। हाँ अगर अमरूद खाने का शौक है ना तो खरीद के खा लेना। अरे नहीं चाहिए तुम्हारे अमरूद वमरूद किसी को। नहीं चाहिए तो आई क्यों हो? अब वो खैर खबर जुल्फी मियाँ की? अल्लाह का शुक्र है तुम लोगों से दूर बहुत खुश है। और मेरी जुगनू? हैं मेरी जुगनू, भाई तुम दोनों माँ बेटी पता नहीं कौन सी डेट मखलूक हो, आ जाती हो। बख्शी जी अल्लाह का शुक्र है खुश हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी रोती धोती आ जाती हो, मेरी बेटी की खैर खबर। क्या ड्रामा क्या लगा रखा है? हेलो ड्रामा कैसा? अरे बख्शी जी अल्लाह ताला ने तुम्हें औरत बनाया होता ना तो मैं तुमसे पूछती। भाई अल्लाह का शुक्र है बख्शी जी को अल्लाह ने भट्टा करता मरता था किया। अच्छा बस रहन दो, तुम मुझे पता दे दो बस। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बातें करते हुए। देखिए हम दो अकिल बालिग लोग हैं, अपनी मर्जी से शादी की है हमने, इसमें क्या शर्म वाली बात? तुमने भाग कर शादी की है? यही यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। What nonsense? ये सब क्या हो रहा है? लोग आराम से बात तो सुन ले। तो और क्या कर रहे हैं? और कर भी क्या सकते हैं हम? मामा तुम तो मुझसे बात मत करो। देखिए प्लीज आप लोग ठंडे दिमाग से अगर हमारी बात सुन लीजिए। मेरा तो ख्याल था कि तुम्हारी आने की हिम्मत भी नहीं होगी। मामा
आप हमारी बात तो सुने। इससे पहले कि हालात का ढोंग से बाहर हो जाए, यहाँ से चले जाओ शादी, चले जाओ। देखो मैं चला जाता हूँ, बल्कि हम दोनों चले जाएंगे, लेकिन प्लीज आप हमारी बात तो सुनिए। दोनों नहीं, सिर्फ तुम जाओगे, गजाला कहीं नहीं जाएगी। मामा मैं डॉक्टर साहब। गजाला चुप करो, तुम यहाँ से जाते हो या टोनी? ओए चुप। लेट मी हैंडल दिस इडियट। हाय हाय हाय, क्यों दे दूं? इस उम्र में सटिया तो नहीं गई कि खाई वाई में गिर गई तो बख्शी जी नहीं होंगे वहां बचाने के लिए। अरे तुम्हें इससे क्या पता, दे दो मैं खुद ही चली जाऊं। तुम्हारी कौन सा कराची जितना बड़ा शहर है, अड्डे पे उतरना और यूं देखना बड़ी सी हवेली के बाद लंबी सी लाइन होगी तुम्हारे जैसे भीख मंगोगी। लग जाना उस लाइन में, वही हवेली होगी साहब की। हेलो, हम क्यों होने लगे भीख मंगे भला है? अरे मेरी बेटी की शादी की तकरीब तो उसके ससुराल वाले इतनी शान और शौकत से करवाने वाले हैं। भीख मंगो की शादियों की तकरीब ऐसी नहीं होती मुंशी जी। हाँ तो शुक्रिया अदा करो बख्शी जी का, बेटी की हो रही है वो भी बख्शी जी की, वैसे तुम्हारी नहीं हो रही। अरे जल कुकड़े हमेशा ही नहीं अमरूदों में सड़ते रहना। ना शुक्री, बख्शी जी के अमरूद खा खा के इतनी मोटी हो गई है। आ जाती है बेटी तो बहाना है इसकी, आती है अपने चक्करों में, अब इतने कमजोर नहीं है बख्शी जी, दोबारा ना आ जाए अब ईमान का क्या भरोसा, नींद खराब कर दी कल महीने। Listen to me, डॉक्टर सादी, आप हमारी मेहमान नवाजी और सबर का इम्तिहान ले रहे हैं। अंकल प्लीज आप समझने की कोशिश करें, आप ठंडे दिल से अगर मेरी बात एक दफा सुन लेंगे तो आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगा, आप कहेंगे तो मैं गजाला को भी यहीं छोड़ जाऊंगा। प्लीज बोलो क्या कहना चाहते हो। देखिए जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं तनवीर के कहने पे हर चीज से दस्तबरदार होने को तैयार था और यहां से जाने वाला था, लेकिन फिर आयशा भाभी और गजाला मेरे पास आए। Pick up my boy. उन्होंने मुझसे कहा कि जी डॉक्टर सादी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहिए। ये तो आप जानते हैं ना कि जुगनू ने जो फुला के डॉक्यूमेंट साइन किए हैं वो जाली है। जी और आई एम सॉरी बट उस जालसाजी में मैं भी शरीक था। आई एम सो सॉरी फॉर इट, मैं शर्मिंदा हूँ। सिर्फ शर्मिंदा होने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको वाकई लगता है कि आपने जुगनू के हक में कुछ गलत किया है तो आपको मेरी एक बात माननी होगी। जी कहिए। डॉक्टर सादी, आप गजाला से निकाह कर लें। जी आई मीन रियली रियली इस वक्त जो गजाला पे एक अननेसेसरी फोकस आया हुआ है ना, निकाह करने से वो हल्का हो जाएगा और जो लोगों के सारे एतराजात हैं वो काफी हद तक बेमायनी हो जाएंगे। लेकिन कुछ नहीं, आपको लगता है ना आपने जुगनू के साथ गलत किया है। यू वॉन्ट टू मेक अ चेंज, सम करेक्शंस, दिस इज द टाइम, और इसी तरीके से हो सकता है आप इससे निकाह कर लीजिए। हाँ और हम जुगनू की मदद कैसे कर सकते हैं? What can I say? That's just great. तुम लोगों का ख्याल था कि मैं ये सुनकर बहुत खुश हूंगा कि तुम सब जुगनू की मदद कर रहे थे। तुम लोगों को शाबाशी दूंगा, गले लगाऊंगा। अरे मैं इस घर की बहू हूँ, अब तो तुम इससे बात करो, कोई तो मेरी इज्जत कर लिया करे। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों में से कोई मुसलमान नहीं है क्या? तो ठीक है, मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे।
मैं जुल्फी को छोड़ दूंगी, लेकिन फिर जिंदा रहने का भी क्या फायदा? इसका तो मैं गला दबा दूंगा। अरे गला दबाने से पहले मेरी बात तो सुन लो। कुछ नहीं सुनना, आउट, निकलो यहाँ से, आउट। बोलने दे इसे, बोलो क्या कहना चाहती हो? नहीं नहीं, तुम बाहर निकलो यहाँ से चुपचाप, और ये मुझे दो। मैं क्यों दूँ तुम्हें? तुम्हारे तो सारे झूठ के परंदे खुल के बाहर आ गए, तुम्हारे पे जाल साजी का पर्चा करवाऊंगी मैं। हाँ बाहर निकलो इस घर से, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, बाहर निकलो। अरे तुम कौन हो गए मुझे इस घर से बाहर निकालने वाले? मेरे शौहर का घर है, इसका पूरा पूरा हिस्सा है। ये देखो गुलती, ये देखो, यहाँ पे नकली दस्तखत करवाए, यहाँ पे नकली दस्तखत करवाए मुझसे। झूठी औरत झूठ बोल रही है ये गुलती। अरे तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक नंबर के झूठे मक्कार हो। बाहर निकलो। वेट, रुक जाओ। ठीक है, तुम अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हो करो, अगर गजाला इस खानदान की लड़की होते हुए अपनी मर्जी से शादी कर सकती है तो जुल्फी क्यों नहीं कर सकता? गो। बाबा साहब, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। हार? मैं कोई जंग लड़ रहा हूं इडियट? तुम कुछ बोलते नहीं हो, ये बोलती है तुम चुप रहते हो इसलिए कि तुम्हें मालूम है, पहले दिन से मालूम है कि ये तुमसे मोहब्बत करती है, रोज अव्वल से ये जानते हो, इसलिए तुम अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो, अपनी फैमिली की इज्जत को भी कुर्बान करने को तैयार हो। जाओ। बाबा साहब, मैं तो सिर्फ आपको और जुल्फी को अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती थी और तनवीर भाई को बताना चाहती थी कि मैं इतनी बेवकूफ नहीं। तुम सिर्फ मुझे गिराने आई थी, जुल्फी को मुझसे छीनने आई थी। तुम जीत गई, मैं हार गया, मैं अपनी हार मानता हूँ। अब जाओ यहाँ से, जाओ। नो बाबा साहब, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, मैं तो बस चाहती थी अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशी गुजारूं। शादी खुशी खुशी गुजारूं? इसलिए तुमने एक अमीर खानदान के एक लड़के को फंसाया और छुप कर शादी की उससे? हाय खुदा पाक की कसम, ऐसा कुछ नहीं है। जुल्फी बताओ बाबा साहब को कि तुमने मुझे तलाक दिलवा के मुझसे शादी की थी, बोलो ना, मुमकिन ना? जुल्फी तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो, कब तक चुप रहोगे? ये ठीक कह रही है बाबा साहब, मैंने जबरदस्ती की थी, मैं सिर्फ इसी से प्यार करता हूं, वो सिर्फ इसी के साथ रहना चाहता हूं। मुझसे खफा मत हो। मेरा तुमसे क्या रिश्ता है? मैं क्यों खफा होने लगा तुमसे? तुम्हें जुल्फी चाहिए था, वो मिल गया, उसे लो और जाओ यहां से, गो। ठीक है बाबा साहब, मैं चली जाती हूँ, कि मुझे जुल्फी को नहीं लेके जाना। शादी दो खानदानों की होती, लड़का लड़की की नहीं। अगर आप राजी नहीं हैं, तो ठीक है, मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे। मैं जुल्फी को छोड़ दूंगी, लेकिन फिर जिंदा रहने का भी क्या फायदा? मैं इस दुनिया को भी छोड़ दूंगी। Thank you.
आपने बुलाया बाबा साहब? या बाबा साहब, आप उस लड़की, उस दो टके की लड़की की वजह से इस तरह, मैं उसे दोबारा मार दूंगा और शादी शादी भी बचेगा नहीं। आई एम गोइंग टू किल हिम। इधर आओ। Tony, my boy. Look at me. तुम कुछ नहीं करोगे। Okay? Look at me. किसी को नहीं मारोगे। Understand? Too old for this now. I can't do this. बूढ़ा हो गया हूं मैं। बहुत सी बातें तो मुझे याद भी नहीं है, लेकिन इतना याद है कि तुम्हारी मां से शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी, अपनी पसंद से की थी। चली गई, लेकिन जैसे रस्सा कशी कभी खेली है तुमने, रस्सी खींचने वाला छोड़ देना तो जीतने वाला गिर जाता है। मैं ऐसे फील कर रहा हूं, अपनी नजरों में मैं खुद गिर गया। बाबू साहब आप तो सबको इडियट बोलता हूं, मैं सबसे बड़ा इडियट खुद हूं। एक लड़की हमारी पनाह में बार बार आने की कोशिश करती रही, लेकिन हम उसे परे धकेलते रहे। क्यों? इसलिए कि वो गरीब है। हजारों ने वही सब कुछ किया तो हमने क्या कर लिया? माल साहब आपसे बस बात हो चुका है। नो मोर। लड़की को बुलाओ, हम उसकी मर्जी के मुताबिक उसके घर बारात लेकर जाएंगे और जुल्फी से उसका निकाह करके शादी करके उसे लेके आएंगे। बाबू साहब मैं ठीक कर सकता हूँ, मैं अभी भी इसको फिक्स कर सकता हूँ, एक चांस दे मैं ठीक। माय बॉय, आई नो, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आई लव यू, आई अप्रिशिएट इट। बस एक चीज और मेरे लिए और कर दो। हो जाएगा भाव साहब। धन धन डील बाबू, धन डील। दैट्स माय बॉय। उन्होंने से जाके। लेकिन बाबा साहब उसको ढूंढूंगा कहां? अरे यही कहीं होगी, उसे जाना कहां है? वो लड़की धुन की पक्की है, शी स्टबर्न। आखिर बहू किसकी है? गो फाइंड हर टोनी माय बॉय, आई मीन तनवीर। मामा प्लीज, गजाला का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। आई मीन जुल्फी जैसे लड़के की निस्बत तो डॉक्टर सादी बहुत बेहतर है। ही इज वेल एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मामा वो अपने लिए सोच सकते हैं। लेकिन तुम्हारे ससुर क्या कहेंगे? उन्होंने क्या कहना है? जब उन्होंने अपने लड़के के लिए जुगनू को एक्सेप्ट कर लिया है तो वो डॉक्टर सादी और गजाला के बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्या मतलब? मतलब ये कि उन्होंने खुद तनवीर को भेजा है कि वो जुगनू को ढूंढ कर लाए। Really? जी हाँ। तो मामा
आप गजाला और डॉक्टर साथी को माफ कर दें, इवेंचुअली तो आप कर ही देंगी, तो आज ही कर दें। बहुत बोलने लगी हो तुम, ये बड़ों की बातें समझी? मामा मैं तो सिर्फ अपनी राय दे रही थी। अपनी राय अपने पास ही रखो। अरे तुम वहां कहां पहुंच गई हो, कहीं भी पहुंच जाती हो, नीचे उतरो। आराम से बात करें, बल्कि प्यार से, वरना मैं चली जाऊंगी। अच्छा रुको रुको, कहां जा रही हो? आइए मैडम तशरीफ लाइए। हुई ना बात, देख के आ जाओ। तो बताएं क्या वो बाबा साहब बुला रहे तुम्हें, वापस आ जाओ। सच्ची? ज्यादा खुश मत हो, ज्यादा देर टिकने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है तन्वी भाई, अगर आप राजी नहीं हैं तो मैं चली जाती हूँ। मेरे ड्रामे बंद करो और यहाँ से जा कर रही हो, यहाँ से तो कोई रास्ता ही नहीं है। अब मैं कहीं से भी निकल जाती हूँ। अच्छा सुनो 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 सुनो, वो मेरे मानने या ना मानने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, करनी तो तुमने अपनी मनमानी है तो फिर करो। आपके मन नहीं ना मानने से तो फर्क तो नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत तो पड़ता है तनवी भाई। अब ऐसे दूसरी की शक्ल बनाएंगे तो कैसे जाऊंगी आपके साथ? तुम फिर बदतमीजी कर रही हो। थोड़ा सा मुस्कुरा दे। ये नहीं मुस्कुरा दे। कितना सा मुस्कुरा दे? बोला ना नहीं। तो ठीक है आप मेरी बात नहीं मानते तो मैं भी नहीं मानूंगी, जा रही हूँ मैं। रुको रुको, बहुत ही ढीठ हो तुम। आप लोगों से पारे पड़े तो ठीक तो होना ही था ना। ठीक है अंदर चलो। अरे की बात करें, पता है क्या है, शक्ल अच्छी ना हो ना तो मुस्कुराने से बेहतर हो जाती है, सच्ची बता रही हूँ। तुम्हारी डिमांड्स कुछ ज्यादा नहीं हो रही? अब तक तो आप लोगों को मेरी जिद का अंदाजा हो ही गया होगा, अब जल्दी से मुस्कुरा दे वरना मैं वापस चली। रुको, ठीक है ये लो। ये कोई ना बात, क्या बात है, ले हाथ दे अब। अरे हाथ दे, पूरे नाना पार्टी कर लगते हैं, कभी आईने में खुद को गौर से देखिएगा। तुम भी मुझे माफ कर दो और जैसे तुम चाहती हो हम तुम्हें उसी तरह से रुखसत करा के तुम्हारे घर से लेकर आएंगे। हेलो हेलो गजल जी। मामा बेटा तुम लोग वापस आ जाओ। जी जुगनू को वापस बुला लिया गया है और उसकी रुखसती उसकी मर्जी से होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी वापस आ जाओ ताकि सलीके से इस बात को भी निभा दिया जाए। तुम लोग आ जाओ तो तुम्हारी शादी की सारी रसूमात अदा कर दी जाएंगी। रियली रियली मामा यू आर द बेस्ट। अच्छा अब तुम आ जाओ तो बाकी बातें बैठ कर होंगी।
पता है मामा मान गई। Really? हाँ। इतनी आसानी से कैसे हो गया? मेरी वजह से? आप तो मैदान से भाग गए थे। वो actually मैंने तुम्हारा हाथ देख लिया था ना, उसमें क्लियरली लिखा हुआ था लकीरों में कि तुम्हारी शादी सिर्फ ऐसे आदमी से होगी जिसका नाम एस से शुरू होता है। मैंने तुम लोगों को माफ किया। तुम भी मुझे माफ कर दो और जैसे तुम चाहती हो हम तुम्हें उसी तरह से रुखसत करा के तुम्हारे घर से लेकर आएंगे। दिल से कह रहे हैं ना बाबू साहब? हाँ, इसलिए कि मैं जानता हूं कि मेरी मोम की नाक मेरे अलावा भी किसी की मोहब्बत की जरूरत है और वो जुगनू ही है। अरे भाई मेरी बेटी का घर है, मेरा जहां दिल जाएगा मैं जाऊंगी। तुम कौन हो तो रोकने वाले? हटो पीछे। अरे मेरी बच्ची ऐसा फटो जरा। हाय मेरी बेटी। हाय मेरी बच्ची। हाय। अरे मेरी तो आंखें तरस गई थी तुझे देखने को। कैसी हो तुम? अम्मा ये बाबा साहब हैं। सलाम अलैकुम भाई साहब। मैं जुगनू की अम्मा हूँ। वालेकुम सलाम। बहुत सही वक्त पे है। राइट टाइम। हम लोग बहुत धूमधाम से जुगनू की रुखसती का इंतजाम कर रहे थे। पता है मुझे, मेरी बच्ची ने पहले ही मुझे फोन पे बता दिया था। अरे यही सोच के तो मैं इधर आई थी कि रुखसती की तैयारियां बड़ी धूमधाम से हो रही होगी, खूब लाइटें लगी हुई होगी, शादियाने बज रहे होंगे, देगे पकड़ी होगी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भाई साहब कहीं खुदा न खासा पैसे वैसे में कोई कमी तो नहीं हो गई? जरा चुप कर जाऊँ। मैं क्यों चुप कर जाऊँ? तू चुप कर। जानती नहीं आजकल लोगों में दिखावा बहुत होता है, बड़े बहुत मारते हैं कि ये बैंक बैलेंस है, बड़े बड़े बंगले हैं और पल्ले में कुछ भी नहीं होता। यही देख लो, रुखसती की तैयारी है और कुछ भी नहीं है। अब भाई साहब आप लोग क्या मेहमान को चाय पानी भी नहीं पूछते? अरे इतनी दूर से आई हूँ मैं और जुगनू की माँ हूँ। जाहिर है आप जुगनू की ही अम्मा हो सकती है जो इतना कुछ कह गई। चाय लेके आओ इडियट, चाय पानी मेहमान आए हैं, कोई पूछ नहीं रहा। यार डार्लिंग, डार साहब एक मिनट होल्ड कीजिएगा, वो बिजनेस एसोसिएट डार साहब, एक्सक्यूज मी। आपके लिए चाय या कैपेचिनो लेकर आऊं? नहीं नहीं, मेरे लिए चीनो इनो मत लाना, मेरे पेट में दर्द नहीं है, बस चाय मंगा दो। जी अभी मंगवाती हूं। एक किशो, हमारी जुगनू तो मुकद्दर की बड़ी धनी निकली, और इतने बड़े घर में राज रच रही है और शाहजहां उसके साथ ऐश कर रही है। हाँ अब्बा, हमारे तो नसीब ही ऐसे निकले, पसंद की शादी के ताने भी सुने और एक दिन भी सुख का ना मिल सका। हासी बख्शी जी अमरूद दे जाया करते थे, अब तो उससे भी गया। बस भी करो, तुम भी कुछ लो ना जुगनू। नहीं नहीं आप बड़े हैं, आप शुरू करें प्लीज। लगता नहीं है वो ही वाली जुगनू है। नहीं वही जुगनू है, आप बेफिक्र हैं, उसी तरह मुंह फट। मुंह फट ना होती तो यहाँ तक कैसे पहुँचती? नहीं बेटा, यहाँ तक तो ये अपने नसीब से पहुँची है।
अरे किस्मत वाली थी, तभी तो इतनी सख्तियों के बावजूद भी बच निकली। और मुंह भर लड़कियों के नसीब तो बहुत बुरे होते। अम्मा तुम लोग ये भी तो कहते थे कि अपनी पसंद की शादी करने वाली औरतें खुश नहीं रहती। ये तो है, लेकिन वो क्या है ना कि तुमने तो की है बॉब की डांस से शादी, इसलिए तुम खुश हो। सलाम साहब। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे टाइम आ गया हूँ लगता है। बड़ी भूख लगी है छोटी बहू, वहाँ बैठते हैं फिर। वहाँ क्यों बख्शी जी, यहाँ बैठिए ना। आइए। अरे नहीं भाई, शर्माइए नहीं, बैठिए ना। आपके लिए कुछ और भी खाने के लिए लाती हूँ। माशाल्लाह बहुत बदल गई हैं अपनी जुगनू। ज्यादा ही बदल गई हैं जी जुल्फी मियां। बहुत शुक्रिया बड़ी बहू, माशाल्लाह। वैसे क्या क्या पड़ा है खाने में, पता नहीं अब क्या लेने गई हैं। और बख्शी जी, जी जी पहले जरा ये तो खा लीजिए ना। बख्शी जी आपको तो डाली, कोई शादी वादी नहीं हो रही, वो बच्चे मुंशी जी के साथ बख्शी जी के साथ चुप्पन चुमाएंगे।